हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में भदौना गांव में 20 साल की युवती को चाचा ने ही घर में घुसकर मारा पीटा। इतना ही नहीं, युवती पर तेल डालकर आग लगा दी। दरअसल युवती की शादी तय हो गई थी और युवती युवक से फोन पर बात कर रही थी, जिससे गुस्साए चाचा ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। घटना संज्ञान में आई थी कि लड़की का कहीं कुछ रिश्ते के संबंध था और उससे रिश्ता ना हो पाने के कारण वो कुछ आहत भी थी और उसके बाद उसके जल जाने की सूचना प्राप्त। संभल में शराब के नशे में एक वहशी बाप ने अपनी नाबालिग बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसके चलते पीड़िता ने पिता की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने सेल्फ डिफेंस का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये थाना दराज क्षेत्र में सुवर गांव का मामला है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया जा रहा था और उस पुत्री द्वारा इस बलात्कार से बचने के लिए उसको पहले लात मार के अपने से अलग किया गया, उसके बाद अपने बचाव के लिए उसने द्वारा उस पर डंडे से प्रहार किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई है। लूट की वारदात को अंजाम देकर आ रहे बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी की। वहीं फायरिंग में 50,000 के इनामी बदमाश और एक दारोगा को गोली लग गई और मौके का फायदा उठाकर तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ये गाड़ी दिखाई पड़ी, इन लोगों ने रोकने की कोशिश की हमारी पुलिस टीम ने, लेकिन वो गाड़ी उन्होंने भगाई और यहाँ जो चाई फोर ये जगह है, इस जगह पर आकर पुलिस की मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ। हम लोगों ने जो पुलिस टीम थी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें एक हमारा जो सब इंस्पेक्टर है वो घायल भी हुआ। फरुखाबाद में पुलिस ने बिहार से तस्करी कर लाई गई दो युवतियों को कोतवाली सदर इलाके में छापेमारी कर बरामद किया है। दोनों युवतियों को 40,000 रुपए में बिहार से खरीदा गया था। पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और सबूतों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। दो लड़कियां बरामद हुई हैं बिहार से, इनके लड़कियों के गार्जियन मामा वगैरह आए थे, जिन्होंने बताया कि साहब हमारी लड़की वहाँ बिहार के पास कहीं भी आई थी पटना में और शादी होने के बाद वो तब से नहीं मिली, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। एक फ़ोन नंबर से इनको सूचना मिली कि फरुखाबाद में कहीं लड़की किसी के साथ रह रही है। इस सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई की तो जो है दो लड़कियां बरामद हुई, एक बिहार की इनकी लड़की है, एक लड़की और मिली है जो इलाहाबाद की निवासी बता रही है, घर का पता सही नहीं बता रही। सहारनपुर के थाना बड़गांव में एक किसान ने कर्ज के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। किसान ने कई बैंकों से लाखों रुपए का कर्ज लिया था, जिस वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सत्येंद्र नाम के व्यक्ति ने, जो उमरी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आत्महत्या की गई, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया और परिजनों से पूछताछ पर जानकारी प्राप्त की जा रही है। बिजनौर में एक महिला ने बीजेपी नेता के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं जब इस घटना की शिकायत महिला ने थाने में की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद महिला का अपहरण कर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर में 4 साल की मासूम का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मासूम पिछले 4 दिन से लापता थी। वहीं मासूम की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उसका शव पड़ा मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। तो हमारी जानकारी में है कि बच्ची रेप का शिकायत थी, आज सुबह में वहाँ पर इसका घर है, उससे लगभग 50 मीटर दूर एक तालाब है जिसमें नियम हुई, उसमें ये बच्ची का शव मिला है और बच्ची के शव में हाथ सीखे हैं, पैर बहुत। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।